अच्छा मैं एक रिपोर्टर की तरह बोलूँगा। हाँ उनको मालूम है ना, मैं भी था पहले जी। हाँ हाँ, मैं बोलता नहीं था। भैया भोजपुरी में एक नया एंटरटेनमेंट खुलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे यश एंड राज के लिए? यश एंड राज एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, और इस तरह की एक पहल भोजपुरी में, एक और माइलस्टोन मेरी तरफ से तहे दिल से यश एंड राज एंटरटेनमेंट के पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ। फ्यूचर में किस तरह सपोर्ट करना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स हम बेसिकली क्रिएटिव साइड से हैं, और हम फिल्म बनाएंगे, इनके लिए हम काम करेंगे। मतलब जो यश एंड राज एंटरटेनमेंट के साथ हम बहुत दिल से जुड़े हैं, और प्रोफेशनली भी जुड़ेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा यश एंड राज एंटरटेनमेंट को। और मुझे जब विपिन जी ने बोला कि आपको यहाँ आना है, यश एंड राज एंटरटेनमेंट का एक नया ऑफिस खुल रहा है जिसमें के फिल्में काफ़ी अच्छी अच्छी बनेगी, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, और मैं आके बधाई दे रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएँ हैं ये बैनर और आगे बढ़े और क्वालिटी फिल्म बनाए, भोजपुरी की अच्छी फिल्में बने, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। फ्यूचर में हैदर काज़मी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगी? देखिए यश एंड राज को सपोर्ट ये कि हैदर काज़मी बहुत कम काम करता है, यश एंड राज अगर मुझे ऑफर करेंगे कुछ रोल तो मैं ना नहीं कहूँगा, यही मैं कह सकता हूँ। अब एक डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है कालिया के बाद, इस लुक में आप कौन सी मूवी में? देखिए मैं काम बहुत कम करता हूँ, तो मुझे अनंत घटराज जी ने मुझे एक फिल्म ऑफर की है प्रतिघात, तो उन्होंने कहा था कि उसमें जो कैरेक्टर है और वो ऐसा ऐसा है, हैदर जी आपको वो रोल करना है, तो मैंने उसके लिए मुस्टेज बढ़ाई है, पहली बार ज़िंदगी में मूछ रखी है, अब पता नहीं कैसी लग रही है मुझे नहीं पता, तो उस कैरेक्टर के लिए उसके बाद ये निकल जाएगी। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह के प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं और हमारे लिए ज़्यादा स्कोप के चांसेस है। मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ यश एंड राज प्रोडक्शन को और अजय गुप्ता जी को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं उनकी बहुत अच्छी शुभचिंतक हूँ, मैंने उनके साथ फिल्म भी किया है पागल प्रेमी, जो हमारी फिल्म हिट सुपर डुपर हिट रही, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनके साथ काम करेंगे तो ऐसे ही हिट पे हिट देंगे। फ्यूचर में किस तरह से देखती हैं आप यश एंड राज प्रोडक्शन? किसी भी प्रोडक्शन हाउस के बारे में अभी से कुछ कह देना जल्दबाजी होगी, ये तो सबको डिपेंड करता है कि इन्होंने किस तरह से अपने प्रोडक्शन को प्लान किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी ने कुछ सोच समझ करके ही इस प्रोडक्शन हाउस को एस्टेब्लिश किया है, और डेफिनेटली इसमें अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी और हमको अच्छी फिल्म देखने मिलेगी। आपकी भी एज ए प्रोड्यूसर फिल्म आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी हाँ, एज ए प्रोड्यूसर हमारी फिल्म आ रही है धुरंधर, जिसके नायक हैं रवि किशन जी और नायिका मैं हूँ, और इसके निर्देशक हैं दीपक तिवारी जो मेरे भाई हैं। ये फिल्म भी हमारी अभी कंप्लीट हुई है और इसको हम लोग फरवरी में रिलीज़ करना चाह रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहा तो ज़रूर हो जाएगा। और धुरंधर मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन जब ये रिलीज़ होगी तो ज़रूर धमाका होगा। एज ए प्रोड्यूसर पूछो मैम, नींद उड़ गई थी रातों की। जी अभी मुझे पूरी तरीके से पता चल गया है कि प्रोड्यूसर किस तरह से कैसे पैसे अरेंज करता है, और एक एक मिनट उसके लिए शूटिंग के दौरान कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे भी पहले मैं कभी नखरे नहीं करती थी, कभी मैंने प्रोड्यूसर को सताया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल
बेसिकली जो बोलते हैं ना, अभी मुझे पता चल गया कि कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है ये। दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, ऐसा लगता है मेरा मीटर डाउन है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इसने ऐसा क्यों किया, उसने, अभी बताऊंगी उसको। ऑब्वियसली वैसे भी मैंने कभी नहीं सताया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने कभी प्रोड्यूसर को तंग नहीं किया। हमेशा मैं, जैसे कि मुझे 7 बजे का कॉल टाइम दिया जाता था, तो मैं 4 बजे उठ करके विद मेकअप 7 बजे रेडी रहती थी। अगर देर होती थी तो किसी भी तरह टेक्निकली प्रॉब्लम से होती थी, बट मैं हमेशा शुरू से ही, क्योंकि मैं बचपन से मैंने ये लाइन देखा है, तो फिर मुझे पता है कि कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, ये सारी चीज़ें। थैंक यू। कल भी उनका मूड जी सर की बहुत जिम्मेदारी है। चलो देन उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। यस एंड राज फिल्म का आज ऑफिस ओपनिंग हो रहा है, बड़ा एक और भोजपुरी में प्रोडक्शन हाउस तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? हम ये कहें कि भोजपुरी के जितना दिन प्रतिदिन तरक्की होता, होके हमें पूरा भोजपुरी आर्टिस्ट से लेकर टेक्नीशियन तक सहयोग मिलेगा के चाहिए, और भोजपुरी फिल्म आज चरमोत्कर्ष पर बा अच्छा प्रोडक्शन हाउस यहाँ आवे इस्टेब्लिश हो गए, हमने के पूरा सहयोग रही, यह चाहता नहीं, यह चाहे कि दिन प्रतिदिन हर दिन एक बढ़िया फिल्म के मुहूर्त होके कंप्लीट होके अच्छा से रिलीज होके अच्छा रिस्पांस मिले, हमारे भोजपुरी समाज वगैरह के अच्छा से रिस्पांस दे, यह हमारी विनती बा और प्यार बा, जौन समझिए अपने सब। थैंक यू श्वेता जी, नहीं थोड़ा शुभकामना दे दीजिएगा सर, क्या